my science class. Today we are going to learn chapter 14, electric current and its effects. In previous lecture we have understood that how electricity produces heat in our circuit. So today we are going to learn what makes a bulb blue. जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा कि भाई करंट फ्लो होने पे हीट प्रोड्यूस होता है और वही फिनोमेनन हम यूज करेंगे हमारे बल्ब के अंदर. अगर आपने देखा होगा बल्ब जब ग्लो होता है तो उसके अंदर येलोइश लाइट निकलती है. येलोइश लाइट आपने देखा होगा राइट. वो कहां से निकलता है स्टूडेंट्स? ओके, वो एक पतले से जो यहाँ पे आप देख रहे हो उस वायर में से निकलता है. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिलामेंट. ओके, और ये किससे बना होता है स्टूडेंट्स? याद रखना, टंगस्टन. ओके, ये टंगस्टन से बना है और टंगस्टन क्या आता है? एलॉय. तो उसकी अपनी एक खासियत है और वो कौन सी है? जब आप इस टंगस्टन में से करंट फ्लो करते हो और जब करंट टंगस्टन वायर में से फ्लो होता है सो इट गेट्स हीट अप. ओके, वो जब गर्म होने लगता है तब उसमें से लाइट निकलता है. बट यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, हमें इसको कवर करके रखना पड़ेगा किसी भी कंटेनर के अंदर. तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? ग्लास कंटेनर. ये क्या हेल्प करेगा? जब ये टंगस्टन वायर करंट कैरी करेगा तो इतना ज्यादा हीटअप हो जाता है कि वो बर्न भी हो सकता है क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ओके, और ऑक्सीजन अगर उसके साथ रिएक्शन कर लेगा तो कंबर्शन हो जाएगा जिसको हम बर्निंग बोलते हैं और वो केमिकल रिएक्शन कर लेता है. ओके, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से ये क्या होता है? टूट जाता है, इतना गर्म होता है. तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे तो इसलिए हम उसको एक ग्लास कंटेनर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं. और एयर टाइट कंटेनर में रखने से होगा क्या? ये बर्न नहीं होगा, सिर्फ ग्लो करेगा, सिर्फ लाइट देगा, बर्न नहीं होगा. तो इसके अंदर या तो हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे या फिर इसके अंदर कोई इनर्ट गैस रखते हैं. जैसे कि आर्गोन है, वो एक इनर्ट गैस है, वो टंगस्टन के साथ रिएक्शन नहीं करता है. ओके, वरना होगा क्या? टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके टूट जाएगा. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? आर्गोन रखते हैं. स्टूडेंट्स, इतना पतला वायर होता है, थोड़ा सा भी आप उसको ज्यादा फोर्स लगाओगे बल्ब के ऊपर तो वो टूट भी सकता है. ओके, जैसे कि जब आप इसके अंदर करंट पास करते हो तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा? ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी. ओके, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी. और ये हीट कितना होता है स्टूडेंट्स? 2500 डिग्री सेल्सियस. सोचो कितना गर्म होगा ये. ओके, और दूसरा नोट डाउन करने वाला पॉइंट क्या हो है यहाँ पे? पार्शियल वैक्यूम. वैक्यूम मींस जहाँ पे एयर नहीं होती है वो. तो बल्ब के अंदर या तो हम एयर रखेंगे नहीं या फिर उसके अंदर कोई ऐसा गैस फिल करेंगे जो उसके साथ रिएक्शन ना करे. किसके साथ? टंगस्टन मेटल. तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बल्ब के अंदर कौन सा वायर होता है तो आपको लिखना है टंगस्टन. किसके प्रिंसिपल के ऊपर वर्क होता है बल्ब का? हीट इफेक्ट. ओके, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो वो हीटिंग इफेक्ट से लाइट ग्लो करता है, ग्लो करता है. ओके, और वो लाइट इमिट करता है. इमिट मींस निकालना. ओके, रिमूविंग लाइट. इसके अंदर से लाइट निकलती है और वो कौन से कलर की होती है स्टूडेंट्स? येलो कलर की होती है. लेकिन ये एलईडी बल्ब के जैसा नहीं होता, तो ये भी याद रखना. एलईडी बल्ब इज डिफरेंट फ्रॉम बल्ब. ओके, एलईडी will be different from bulb. Okay? I hope आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आया, right? अभी हम आगे टॉपिक में जाते हैं, वो है फ्यूज. फ्यूज क्या होता है? Okay? अभी देखो, जब आप घर पे टीवी स्टार्ट करते हो या फिर मान लो आप फैन स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, तो आपके घर के अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी. ओके, लेकिन वो कहां से आया था? कोई पावर स्टेशन से, राइट? आपने बड़े बड़े हाईवे, जब हाईवे पे जाते हो तो बड़े बड़े आपने पोल्स तो देखे होंगे जैसे कि पिक्चर में दिखाया है. ओके, तो सोचो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा
वोल्टेज होते हैं, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज, जिससे होगा क्या, आपके घर पे सीधा डायरेक्ट आएगा तो आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अपना स्टार्ट नहीं कर सकते, इनको जितना हाई वोल्टेज पे कोई इंस्ट्रूमेंट चलता नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज पे। ओके, इस तरह से हम उसका यूज करते हैं। लेकिन जब हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में जाते हैं, हम करंट को पास करते हैं हम, तो हमें कुछ चीज चाहिए होगा जिसके ट्रांसफॉर्मर, इट मीन्स वो हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन शायद गलती से मान लो आपके घर के अंदर हाई वोल्टेज वाला करंट आ गया तो क्या होगा, देखो फोटो में आपको दिखाई देगा, वायर्स बर्न हो जाते हैं, क्रैक हो जाता है उसमें, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट है, वायर गर्म हो जाती है इसलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये ना हो, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज हमें करना है, और गलती से भी हाई वोल्टेज ना आ जाए घर पे, और ऐसे हमारे घर के अंदर डैमेज ना हो, शॉक भी लग सकता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है फ्यूज, जैसे कि आप दो फोटो में दो फ्यूज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देख सकते हो, तो ये हमारे घर में सभी डिवाइस को प्रोटेक्ट करके रखेगा, किसी भी चीज को बर्न होने देगा नहीं, करंट अच्छी तरह से फ्लो करेगा। ओके, जब गलती से आपके घर के अंदर हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो ये फ्यूज क्या करेगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक पतला सा आप यहाँ पे देख रहे हो वायर होगा, वो मेल्ट हो जाता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और मेल्ट हो जाता है, और फ्यूज क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा, अंडरस्टूड, फ्यूज ही फ्यूज हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे होगा क्या, वायर मेल्ट हो जाता है उसके अंदर, तो आपके घर के अंदर कुछ भी डैमेज होगा नहीं, सिर्फ फ्यूज के अंदर वायर मेल्ट होगा, तो आपके सभी अप्लायंसेस बच जाते हैं। तो ये फ्यूज हमें इतना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ओके, तो आपकी टेक्स्ट बुक में देखो टॉपिक कवर कर लेते हैं फ्यूज के बारे में। द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज इन आवर होम्स कम्स फ्रॉम पावर स्टेशन थ्रू वायर्स, एट टाइम्स देयर इज अ सडन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट supplied by power station, गलती से ज्यादा आ जाता है करंट। If the electric current in the circuit becomes too high, it heats up the wire and the circuit. This can melt the insulating material, जो हमने पीछे फोटो में देखा। Overheated wires can cause fire, और वहां से आग भी लग सकती है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज। Okay, so to prevent we use fuse, आप underline कर लेना textbook में कि भाई fuse का work क्या है। So fuse is a safety device, it protects electric current, electric circuit and the electrical appliances attached to circuit। तो जो ये left वाला जो photo है, ये वाला photo हमारे घर की पूरी safety रखता है, पूरी सेफ्टी सभी अप्लायंसेस के लिए। लेकिन कोई छोटी छोटी डिवाइसेस होते हैं जैसे कि ग्राइंडर, मिक्सर या फिर कोई भी ऐसे डिवाइसेस जिसकी आपको ज्यादा जरूरत होती है और वो बिगड़ ना जाए। ओके, तो यहाँ पे हम ये छोटा वाला फ्यूज यूज करते हैं जिसका शेप आप देख सकते हो सिलेंडर जैसा है, और उसके अंदर बीच में ये पतला सा वायर जाते हुए देख रहे हो, तो वो उसका वायर है, जब हाई करंट होगा तो वो मेल्ट हो जाता है। ओके, अभी हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, फ्यूज कैसे वर्क करता है। ओके, सो ये वन काइंड का स्पेशल वायर है कि ज्यादा एक लिमिट का करंट फ्लो करेगा, अगर ज्यादा करंट होगा तो वो मेल्ट हो जाता है। तो इसकी सर्किट को हम समझते हैं। मान लो ये कोई बैटरी है। ओके, बैटरी का सबको पता है पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स बड़ी वाली लाइन, नेगेटिव टर्मिनल मीन्स छोटी वाली लाइन। तो अगर मान लो यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो अपनी सर्किट कनेक्ट करना तो सबको आ गया, राइट। तो यहाँ पे हम ये बल्ब रखते हैं और उसके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हम क्या रखेंगे, हमारा फ्यूज। मान लो ये फ्यूज है और ये सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं, तो एक लिमिट तक मान लो ये 5 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ पे आप मान लो 5 वोल्ट नहीं, चलो मान लो 150 वोल्ट का बैटरी है और बल्ब ग्लो हो सकता है एट अबाउट 80 वोल्ट। तो देखो 150 वोल्ट और 80 वोल्ट डिफरेंस कितना ज्यादा है, तो बल्ब क्या कर सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो वो ना फ्यूज हो, मीन्स उड़े नहीं बल्ब, तो हम क्या करेंगे,
वहां पे एक डिवाइस यूज करेंगे, ओके फ्यूज। तो वहां पे क्या होगा, उसके दोनों टर्मिनल के ऊपर एक फ्यूज कनेक्ट होता है। ओके लेट मी मेक इट अनदर कलर, येलो लेट्स से ब्लैक। तो यहां पे हम क्या करते हैं, फ्यूज का वायर रखते हैं। अगर जब करंट पास होगा लिमिट तक तो वो फ्यूज वायर टूटता नहीं है, लेकिन अगर मान लो इस केस में 150 और 80 वोल्ट हुआ तो ये क्या कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। तो आपको तो पता ही है जब कनेक्शन ब्रेक होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का कोई भी अप्लायंस में सर्किट ब्रेक होता है तो करंट कैन नॉट पास थ्रू दैट सर्किट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओपन सर्किट, यानी जब कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तब। लेकिन जब तक उसको मॉडरेट करंट मिलता रहेगा तो वो करंट पास होगा, तब वो क्या होगा, क्लोज्ड सर्किट। अंडरस्टूड? तो फ्यूज का काम क्या हुआ, करंट पास करने देना या फिर नहीं करने देना। इसी वजह से आपके घर में फ्यूज रोटेट करता है आपके होम अप्लायंसेस को। ओके एक बार फिर से देख लो कैसे करना है। एक बैटरी है उसको हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव ऑफ अ बल्ब एंड नेगेटिव ऑफ अ बल्ब। ओके बीच में हम क्या रखेंगे, फ्यूज। ओके तो यहाँ पे अगर फ्यूज रखा कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा, करंट विल नॉट पास थ्रू इट। ओके स्टूडेंट्स फ्यूज समझ में आ गया सबको। चलो अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। के जब आप करंट पास करते हो तो आपने हीट इफेक्ट पढ़ा, वैसे ही जब आप करंट पास करते हो तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। स्टूडेंट सोचो आपको मैग्नेट खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप ये जानते हो तो, कि जब आप किसी भी वायर में से करंट पास करोगे तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगेगा। आपने क्रेन तो देखी होगी जो बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाती है। ओके वो क्रेन क्या करेगी, एक बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके टॉप के ऊपर होता है, जैसे ही कंटेनर को टच करता है और करंट पास होगा तो वो उसके साथ स्टक हो जाता है, बिकॉज मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन और कंटेनर तो आयरन का ही बना है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट देखनी है क्या होती है। तो इफ यू प्लेस अ मैग्नेट कंपास क्लोज टू सिंपल सर्किट व्हेन इट इज ऑन देन द मैग्नेटिक नीडल reflects as if it is being attracted by another magnet. Okay, तो जैसे कि आप compass देख रहे हो यहाँ पे और battery के साथ उसके wires connect करते हो तो क्या होगा, it behaves like a magnet. वो magnet जैसा behave करता है. Okay students, चलो आगे जाते हैं अभी। अगर आपको magnet बनाना है तो आप ऐसा करो, एक battery ले लो, nail के ऊपर wire को wrap कर दो पास पास में। ओके और जैसे ही स्विच ऑन करोगे आप तब ये नेल दूसरी नेल को अट्रैक्ट करेगी। ओके इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर इट बिकम्स टेम्पररी मैग्नेट। करंट ऑफ कर दोगे, करंट पास करना ऑफ कर दोगे तो इट विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। व्हेन यू जस्ट पास अ करंट इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये क्या घटना, जब तक करंट पास होगा वो मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, बट जैसे करंट पास करना बंद कर दिया तो क्या होगा, इट विल नॉट बी अ मैग्नेट। ओके तो आपको इस तरह से सर्किट करनी है और उसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिकल बेल वर्क करता है। ओके जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल बेल क्या है, ये जो बी लिखा है वो हमारा बेल है और ये जो ए लिखा है वो हैमर है। देखो जब आप करंट पास करते हो तो ये वाला सर्किट मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो जब वो मैग्नेट बनेगा तो अट्रैक्ट होगा तो ए को अट्रैक्ट करेगा, तो ए जैसे ही अट्रैक्ट होगा वो बेल के साथ टकराता है। ओके जब टकराएगा तो यहाँ से डी के ऊपर कनेक्शन टूट जाता है, करंट बंद होना चाहता है तो वापिस आ जाता है वो। तो इस तरह से कंटिन्यूसली जब करंट फ्लो होगा तब वो मैग्नेट बनेगा तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन टूटा तो वापिस अपने प्लेस पे आ जाता है। ओके डी के ऊपर, तो डी के ऊपर टच करने पे वो फिर से टकरा जाता है। तो जब तक करंट फ्लो करोगे की के सर की से तो वो उसके साथ टकराता ही रहेगा, टकराता ही रहेगा, टकराता ही रहेगा। तो
ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जैसे कि कंप्यूटर, टॉय, टेलीविजन या फिर डोरबेल, टेलीफोन, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना स्टूडेंट्स। थैंक यू।